इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ओएन रीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि गो आया हुआ होता है, जहाँ पर कि ये टोकी और गैरी से मिलता है जो कि म्यू के प्रोजेक्ट के रिलेटेड आए हुए होते हैं। फिर हमें पिकाचू और एस का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें बैटल स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एस जो है वो रेडी हो रहा होता है बैटल के लिए। उसके बाद हमें और यहाँ पर पिपलक और ईवी आ जाते हैं। उसके बाद हमें क्लोई और डॉन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एस से मिलने आए हुए होते हैं। उसके बाद हमें लियोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि होप जो है वो लियोन से मिलने आया होता है। फिर हमें इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कि लियोन जो है वो अपनी चार मेंटर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके बाद हमें बैटल स्टेडियम की सारी ऑडियंस दिखाई जाती है जहाँ पर कि वो एस और लियोन का मैच देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, जहाँ पर कि इनके मैच को देखने के लिए लेंस, आयरस और प्रोफेसर और साथ में अलान इनके मैच को देख रहे होते हैं। फिर हमें पिपलप और डॉन दिखाए जाते हैं जो कि एस को चेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें स्टीवन का सीन दिखाया जाता है जो कि इनके बैटल को देख रहा होता है। उसके बाद जो एस है वो बैटल स्टेडियम में आ जाता है और उसके बाद लियोन भी आ जाता है और फिर इनका बैटल देखने के लिए जो है सोनिया भी आई होती है और इनके मैच को प्रोफेसर और एस के सारे पोकेमोन देख रहे होते हैं। उसके बाद रेफरी कहता है तुम 6 पोकेमोन का यूज कर सकते हो और कोई भी एक फिनोमेना का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद जो लियोन है वो उसको रोकते हुए कहता है मैं इस बैटल को यादगार बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जितने भी फिनोमेना उनको यूज़ करने की इजाज़त देता हूँ। और उसके बाद जो रेफरी और एस हैं वो भी चौंक जाते हैं और उसके बाद ये बैटल जो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एस पिकाचू को चुनता है और लियोन जो है वो अपने सिंड्रेज को चुनता है, हर बैटल के अंदर भेजता है। उसके बाद एस पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज़ करने को कहता है। उसके बाद लियोन सिंड्रेज को स्कॉचिंग सैंड यूज़ करने को कहता है जिससे कि जो सिंड्रेज है वो ग्राउंड टाइप का हो जाता है और इससे जो थंडरबोल्ट है वो वर्क नहीं करता सिंड्रेज पे। उसके बाद एस जो है वो अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है। उसके बाद एस जो है वो अपने गेंगार को चुनता है और लियोन भी अपने सिंडर को वापस बुला के अपने इंटेलियन पोकेमोन को बैटल के अंदर भेजता है। उसके बाद जो लियोन है वो स्नैप शॉट यूज करने को कहता है और उसके बाद जो अटैक है वो गेंगार को लग जाता है, लेकिन गेंगार संभलते हुए शैडो बॉल जो है वो इंटेलियन की तरफ फेंक देता है, लेकिन जो इंटेलियन है वो अपने पूंछ की वजह से उस शैडो बॉल को काट देता है। उसके बाद जो लियोन है वो अपने इंटेलियन पोकेमोन को एक्वाजेट यूज करने को कहता है। उसके बाद लियोन बताता है ये अटैक मैंने तुमसे ही सीखा था जब एस वर्सेस सिंथिया के बैटल में जो पिकाचू है वो स्प्रिटोम ने एक्वाजेट के कारण जो गेंगार है वो ज़मीन से बाहर निकलने लगता है और उसको थोड़ा बहुत डैमेज भी पहुंचता है। उसके बाद एस जो है वो गेंगार को विलियूस अटैक यूज़ करने को कहता है और जो गेंगार है वो उस अटैक को उसमें मार देता है। उसके बाद जो पूरे स्टेडियम में जो है वो धुंध सी फैल जाती है जिससे कि यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा होता है। उसके बाद एस जो है वो अपने गेंगार को जायगेंटा मैक्स गेंगार कर देता है। उसके बाद लियोन जो है वो इंटेलियन को स्नैप शॉट यूज़ करने को कहता है, लेकिन तभी जो गेंगार है वो मैक्स फैंटम यूज़ कर देता है, लेकिन जो इंटेलियन है वो उस अटैक से बचता है, लेकिन एंड में उसे एक अटैक लग जाता है और उसके पैर में जो है वो एक मतलब पिंजरा सा बन जाता है। उसके बाद लियोन जो है वो अपने इंटेलियन को डार्क पल्स यूज़ करने को कहता है और जो एस है वो अपने गेंगार को डाई एसिड यूज़ करने को कहता है जिससे कि जो इंटेलियन है वो बचता रहता है, लेकिन एंड में जो है वो डार्क पल्स जो है वो गेंगार को मार देता है जिससे कि जो गेंगार है वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन जो इंटेलियन है वो उस अटैक को झेल नहीं पाता और जो इंटेलियन है वो इस बैटल के अंदर हार जाता है। उसके बाद लियोन जो है वो अपने मिस्टर राइम पोकेमोन को चुनता है। उसके बाद एस जो है वो गेंगार को स्लेज बॉम्ब यूज़ करने को कहता है और जो लियोन है वो अपने मिस्टर राइम को फ्रीजी ड्राई यूज़ करने को कहता है। फिर इनका अटैक जो है वो आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और उसके बाद जो है पूरे बैटल स्टेडियम में जो है वो बर्फ फैल जाती है और उसके बाद जो गेंगार है के कारण जो है मिस्टर राइम का जो अटैक है वो वर्क नहीं कर रहा होता है। उसके बाद जो गेंगार है वो आइस में जम जाता है। उसके बाद लियोन मिस्टर राइम को वाइड फोर्स यूज़ करने को कहता है और फिर वो स्लाइड करते हुए गेंगार की तरफ जाता है और मिस्टर राइम जो है वो अपनी स्टिक को गेंगार में मार देता है जिससे कि जो गेंगार है वो उस बैटल के अंदर हार जाता है, जिससे कि जो मिस्टर राइम है वो काफ़ी खुश होता है और ये यहीं पर एपिसोड जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके अपने फ्रेंडों तक इस वीडियो को शेयर करना। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इन दोनों वीडियो को भी देख सकते हो जो कि इनके आगे अगले पार्ट हैं।